of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Silhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No, no. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has positive. Please don't claim it's positive. Please. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. तो बांग्लादेश के हालात पर पूरी नजर है, ये कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उनकी तरफ से बात की जानकारी दी गई कि वहां से तमाम छात्रों को निकाला गया है। जुलाई महीने में तमाम छात्रों की वापसी हुई है। अब तक 8,000 के आसपास छात्रों को निकाला गया है। जो अल्पसंख्यक अब भी वहां पर हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने शेख हसीना के भारत आने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की भारत में शरण लेने की और उनको अल्पकालिक शरण यहां पर दी गई। उनकी रिक्वेस्ट पर तुरंत उनको यहां पर अप्रूवल दिया गया, जिसके बाद कल शाम वो यहां पर पहुंची हैं। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि वहां पर स्थिति नॉर्मल हो जाने तक हम पूरी स्थिति पर, पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। जो अल्पसंख्यक वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी कवायद भी चल रही है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दी गई है। आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार की बात वहां पर की है। बांग्लादेश में मंदिर पर हमले हुए हैं, ये भी सरकार ने माना है। इस बात की जानकारी भी विदेश मंत्री की तरफ से दी गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, वहां जो हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार की कोशिश और कवायद है कि जो अल्पसंख्यक वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जाए, और इसी कोशिश में अब तक तकरीबन 8,000 छात्रों को वापस भारत लाया गया है। अभी तकरीबन 12 से 13,000 भारतीय वहां पर और हैं, उनको भी वापस भारत लाने की कवायद चल रही है। इस दौरान वहां पर जो हालात बने हुए इसकी जानकारी भी विदेश मंत्री की तरफ से राज्यसभा के भीतर दी गई है। साथ ही साथ सरकार वहां फंसे हुए लोगों के संपर्क में है, वहां हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है, इस बात की भी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए दी है। बांग्लादेश के हालात पर जानकारी साझा की गई राज्यसभा के भीतर। सदन को अवगत करवाया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने बताया है कि कैसे शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना ने भारत में आने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उनको अप्रूवल दिया गया और कल शाम वो यहाँ पर पहुँची हैं, दिल्ली में हैं, ये भी उन्होंने जानकारी दी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि वहाँ जो हालात बने हुए हैं उस पर भारत सरकार की पूरी नज़र है। इसी क्रम में आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, उस बैठक में भी सभी दलों के नेताओं को अवगत करवाया गया सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में। जिन भारतीयों को वापस वहाँ से लाया गया है उनकी जानकारी दी गई, वो नंबर्स बताए गए। जो भारतीय छात्र अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है उसका, उस बात की भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ बांग्लादेश में स्थित भारतीय दूतावास से लगातार भारत सरकार संपर्क बनाए हुए है, वहाँ दूतावास भी एक्टिव मोड में काम कर रहा है।
हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है, जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाने की। और इन सब के बीच जो वहां हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीरें भी आप देखिए, कैसे वहां उग्रवादियों ने और प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है, इस्कॉन टेम्पल में भी आग लगा दी गई, वहाँ मूर्तियों को तोड़ा गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है। और इस बात को खुद इस विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया है, उन्होंने माना है कि हाँ वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है, लेकिन पूरे हालात पर भारत सरकार की नज़र बनी हुई है। आपको सुनाएंगे कि राज्यसभा में जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से क्या कहा गया है। जो बड़ी बातें हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, बांग्लादेश के हालात पर हमारी नज़र है, ये कहा है जयशंकर ने। आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार की वहां पर बात की है, ये भी उनकी तरफ से बताया गया। बांग्लादेश में मंदिर पर हमले हुए, ये भी विदेश मंत्री ने बताया है। बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा शुरू हुई और तभी से वहां फंसे हुए भारतीयों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है, इन सब के बीच तख्तापलट के बाद जो वहां पर स्थिति, जो हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी विदेश मंत्री की तरफ से दी गई है। भारत सरकार की पूरी नज़र है, ये उन्होंने कहा है। हर भारतीय को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, इस बात की प्रतिबद्धता भी उनकी तरफ से बताई और दर्शाई गई है। साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों के नेताओं को अवगत करवाया गया है सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में। बांग्लादेश मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बांग्लादेश के बिगड़े हालात पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा विचारधारा का है, भारत की सरकार को बांग्लादेश पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ेगी। तो भारत की संस्कृति रही है कि शरणागत को शरण देना, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के हालात भी बिगड़ रहे हैं, भारत की एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ बांग्लादेश है, एकदम पड़ोसी देशों में अराजकता, आतंकवाद और बगावत और वायलेंस का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है इसको देखते हुए भारत को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और क्योंकि खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है और ये खतरा विचारधारा का है, ये खतरा कि किस तरह के सियासी सिनेरियो का है, पॉलिटिकल सिनेरियो का है, जिसको कोई भी संभ्रांत राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता। इधर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची दोनों वीवीआईपी गाड़ियां वहां से निकल चुकी हैं। दोनों गाड़ियों पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए या फिर शेख हसीना को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए एम्बेसी से ये गाड़ियां लाई गई थीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही कोई पुख्ता जानकारी शेख हसीना के मामले में मिल सकती है। एहतियातन गाजियाबाद पुलिस ने भी हिंडन एयरबेस के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। ट्रैफिक के लिए डिवाइडर यहां पर लगाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों वीवीआईपी गाड़ियां जब मूव कर रही थी इंडियन एयरपोर्ट से उस दौरान की तस्वीरें। और अभी आपने सुना भी थोड़ी देर पहले राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हां शेख हसीना भारत में हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी भारत में आने की और जिसके बाद अप्रूवल दिया गया भारत सरकार की तरफ से और कल देर शाम वो यहां पर पहुंची हैं। और ये हम आपको तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये दोनों वीवीआईपी गाड़ियां जिन पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है वो मूव कर रही थी इंडियन एयरवेज से। और इस बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद अब न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के दूतावास में घुस गए हैं और यहां बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया।
दूतावास में तोड़फोड़ भी की गई है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जहां लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों ने उन्हें किसी तरह से समझाया और शेख मुजीब की तस्वीर को हटा दिया। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। वहां से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला बोला गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है। मंदिर की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। जो हालात बने हुए हैं इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इस्कॉन मंदिर की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं, ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे मंदिर में आग लगाई गई, मूर्तियों को तोड़ा गया, कई हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया और तमाम दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। थर्डे मिडिल नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है, वो अग्नि संयोग किया और लुंटन किया, भांगसुर किया। जो रैपिड एक्शन बेटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है और सेनाबाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। आवामी लीग से जुड़े दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। विशेष रूप से इस्कॉन और काली मंदिरों को निशाना बनाया गया। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि वहां हिंसा की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी हत्या हुई है। रायगंज प्रेस क्लब को घेर कर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार प्रदीप कुमार भौमिक को मार डाला। अब माइनॉरिटीज की जिंदगी वहां खतरे में है। मैं समझता हूं भारत सरकार को सभी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया कि वहां पर उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर मारपीट भी की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की अपील की है। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है, हम पहले ही घुस चुके हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे, उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर चला आए। हम मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज है एंड जितने भी आवामी लीग करते हैं, उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में टेररिस्ट ऑलरेडी बीएनपी जमात गवर्नमेंट वो लोग अभी टेररिज्म कर रहा है। बांग्लादेश में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने बताया कि आंदोलन के नाम पर कैसे कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हिंदू परिवारों को इस हद तक निशाना बनाया जा रहा है कि वो देश छोड़ने को मजबूर हो जाए। नीचे लिए
ঘুরতে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই, আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া বলেছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাবো, আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না, আমরাও দেশের নাগরিক না, তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে। আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে,